हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मोनिकाज़ किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, गुलाब जामुन की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आओ देखते हैं गुलाब जामुन कैसे बनाए जाते हैं। आज मैं गुलाब जामुन बहुत ही सिंपल वे में बनाऊँगी। मैंने ये गिट्स का पैकेट लिया है। मैं इस पैकेट को खोल के एक डोने में डालूंगी। और अब मैं इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करूंगी। डो बनाने के लिए मैंने दूध लिया है। आप पानी का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन दूध से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर दूंगी। अभी मैं इसको ढक के 20 मिनट तक रख दूंगी। जब तक ये डो सेट हो रहा है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस में एक पैन को रखा है। उसमें मैंने डाला 1/2 लीटर पानी। टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप आज ज़्यादा चीनी यूज़ कर सकते हैं। हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें इसे 5 से 7 मिनट पकाना है। चाशनी बनके रेडी है। अब मैं देख लेती हूँ। ये देखिए डो अच्छे से सेट हो चुका है। मैं इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से और मसल के रेडी कर लूँगी। हाथों में मैंने हल्का सा घी लगाया है जिससे कि हाथों पे चिपके नहीं। ये देखिए ये डो रेडी हो चुका है। जब घी लगा लेती हूँ अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाऊंगी। आप इसके साइज अपने हिसाब से बड़ा या छोटा ले सकते हैं। कुछ लोइयां मैं छोटी बनाऊंगी और कुछ का साइज मैं बड़ा रखूंगी। गिट्स का पैकेट घर पे रखती हूँ। जब कभी मीठा खाने का मन हो तो बना लो। ये देखिए कुछ मैं बड़े साइज के बनाऊंगी। और हमें जो इसकी लोइयां होंगी हमें उन्हें एकदम चारों तरफ से स्मूथ करना है कि ये बीच से फटी ना हो, वरना फ्राई करते हुए ये फट जाती हैं। गैस में मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। तेल हमें बहुत ज़्यादा तेज गर्म नहीं करना है, एकदम मीडियम करना है। गैस की फ्लेम को मैं लो मीडियम रखूँगी और उसमें अब मैं ये जो मैंने लोइयां बनाई थी उनको डाल दूंगी। और हमें लो मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें पकाना है। अगर हम गैस की फ्लेम को तेज रखेंगे तो ये अंदर से जल जाएंगी। बस इनको हल्के हाथों से उलट पलट करते हुए इनको एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप गिफ्ट से पैकेट से गुलाब जामुन बना रहे हों तो डो हमें एकदम टाइट नहीं करना है। अगर डो ज़्यादा कड़ा होगा तो ये फट जाएंगे। डो को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और चाशनी में रख डालूँगी। मैंने इनको चाशनी में डाल दिया है और इनको मैं ढक के 1 घंटे के लिए रख दूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।